अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखाज किचन से। बहुत रश है, आवाज शायद आपको आ रही है कि नहीं। मैं यहाँ आई हूँ, कहाँ आए हम अरफात? माहिम माहिम की दरगाह पे जियारत पे। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दी, चलूँ तो चलिए मेरे साथ। गए हैं, माशाल्लाह बड़ी रौनक है, आप देख सकते हैं। बस मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बाहर खड़े रह के फातिहा पढ़ लेती हूँ और फूल और जो अगरबत्ती वगैरह है मैं अंदर जाके देती भी नहीं हूँ। काफ़ी सालों से मैंने वो छोड़ दिया है। बस मेरा मन करता है यहाँ आने का, जिस दिन मैं उस समय आ जाती हूँ, 2-3 महीने में या हर महीने में एक दफ़ा। अरफात जो मेरे शौहर हैं, उन्हें दरगाह पे जाना, वो सारी चीज़ों को बिलीव नहीं करते हैं, बट मेरे लिए वो आ जाते हैं। और ना ही मैं उन्हें गलत कहती हूँ और ना ही वो मुझे गलत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, हम दोनों को इनफैक्ट ऐसा लगता है कि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। जज तो अल्लाह करेंगे और वो उनके हाथ में छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ के सुकून के बाद हम निकले यहाँ से बाहर और यहाँ 6-8 पैकेट्स थोड़े से हलवा पूरी के पैक करवा लिए। गली को आप पार करते हो ना, तो बीच बीच में ही आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी दुकानें होती है, हिजाब की है, पर्सों की है, काफी चीजों की है। तो ये देखिए वो सब है। और दरगाह गली के खाने भी बड़े मशहूर हैं, हम अभी से नहीं बहुत पहले से। ये जो कबाब हैं और फिश के कांटे वाले नान आते हैं उसके साथ जो दिए जाते थे, अभी तो फिश के कांटे वाले नान दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ चाइनीज भी आप देख सकते हैं। बढ़िया सी सीख बन रही है, ये हमारा ऑर्डर नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें माशाल्लाह दरगाह गली में आपको देखने भी मिलेंगी, खाने भी मिलेंगी। इंजॉय करें खाना पीना वहाँ। और यहाँ पर मैंने शोरमा लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं खा रही हूँ। वहाँ वॉइस में नहीं दे पा रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगा, वो भी स्ट्रीट साइड का, इतना बढ़िया मज़ेदार सा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 10/10 मेरी तरफ से। अजान कैसा है? पूरा गीले हो गए ना हम लोग? क्यों गीले हो गए? रेन आ गई। आपको कैसा लगा ये खाया आपने, शोरमा कैसा लगा आपको? और रेन भी अच्छी लगी, रेन बार। उसके अंदर नीचे खड़े रह के शेल्टर में, ये यहाँ पर हम यहाँ खड़े थे, मजा आया ना सर? मजा आया बट ना, एंजॉयड। खाते खाते बारिश आ गई, बस खा लिया हमने और वहाँ से निकले। और ये फेमस है, आप सबको ही पता होगा, बाबा फालूदा। तो हमने सोचा चलो यहाँ खड़े रह के फालूदा भी खा ले, बढ़िया सा मज़ेदार सा। ऑर्डर दिया हम लोग, बस अभी ऑर्डर ही कर। एक काम करो, आस्ते आस्ते वो डोंगर पे चले जाओ। हाँ वहाँ पे वांदा नहीं है, टेंशन नहीं, आराम से खा सकते। तो यहाँ एकदम संभाल। क्या मंगाया? मैंगो फालूदा। तो फालूदा आपका फेवरेट वो वाला है ना पापा का? कुल्फी, मलाई। हाँ कुल्फी, बट अभी मैंगो खा रहे हैं बिकॉज सीजन चल रहा है। लेट्स सी कैसा होता है। उसके बाद विल ऑर्डर, अगर पेट में जगह बची तो मलाई वाला। वैसे काफ़ी लोगों को ये पता है कि यहाँ भीड़ बहुत होती है और टाइम जैसे जैसे जाता है यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा? वेरी नाइस, अच्छा।
आपके I like मलाई वाला बेटर. आपके मुंह से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. कैसा लग रहा है अरमान? जो आइसक्रीम है ना वो मैंगो आइसक्रीम है. अरे आई लाइक इट, इट हैज अ मैंगो फ्लेवर. ये देखिए ये मोहतरमा को, ये भी इसी तरीके से जैसे मैंने पिक्चर लिया उन्होंने भी पिक्चर लिया है. और हमने कुल्फी भी मंगा ली फाइनली. हाउ इज इट? बेस्ट बेस्ट. अरे मैंने तो नहीं खाया. नीचे गिर गया. लेके आ जाओ. हाँ मैं अभी लेके आती हूँ. चलो आप खा रहे हो तब तक मैं, क्योंकि मेरा बस हो गया. आई एम फुल. ले लो पैसे, लेके जाओ पैसे दे दो. और इस बार से ना ज्यादा देना, लास्ट टाइम की तरह मैंने इतने कम लेके गई थी. और कुल्फी में दोनों में टाई दूंगा मैं. अब मुझे बेस्ट आज का लगा शोरमा. बाहर का इतना अच्छा शोरमा, मतलब बहुत रेयर मिलता है रास्ते का एंड ऑल दैट स्ट्रीट, मुंबई स्ट्रीट का. तो ये बहुत ही अच्छा था दरगाह गली का. आई विल रेट शोरमा अभी 10 और कुल्फी भी 10. मुझे तो शोरमा बेस्ट लगा, फिर कुल्फी अच्छी लगी. मैंगो मिल्क शेक शेक बोल रही हूँ, मैंगो फालूदा वाज ओके, बुरा नहीं था बट ठीक था, नॉट दैट बैड. बट हाँ शोरमा वाज द हाइलाइट टुडे. चलिए बस इतना सब खा लिया, ज्यारत कर ली, सलाम कर लिया और अब हम निकलते हैं हमारे घर की ओर. गाड़ी आगे पार्क्ड है तो बस वहाँ जा रहे हैं हम. और हाथ में मेरे पान है, मैं यहाँ खड़े खड़े तो खा नहीं सकूंगी. तो मैंने पान पैक कर आया और मैं पान के खाए बिना जा कैसे सकती हूँ, ये देखिए. और मैंने खड़े रह के 5 मिनट खड़े रह के बनाया, इतना समय लग गया पान बनाने के लिए. बाप रे, खाना पका रहा था जैसे. जू बीच के पान से तो बहुत ज्यादा बेटर है. सबर का फल मीठा पान होता है. ऑक्सम माय फेवरेट इज फॉर टुडे. क्या था वो? चिकन शवरमा, शोरमा स्ट्रीट स्टाइल. अच्छा वैसे उसकी रेसिपी यहीं से ही इंस्पायर्ड है. उसकी रेसिपी लिंक भी इसके यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ये वाली व्लॉग के अंदर. और आज का पान दोनों बहुत ही अच्छे लगे मुझे. मस्त. अल्फाज आप खाओगे? टू गुड. तो ये थोड़ी सी छोटी सी कोशिश थी इस बार व्लॉग बनाने की. बहुत डिफिकल्ट था, बहुत रश है, तो ज्यादा यू नो शूट भी नहीं कर सकते हैं. तो जितना हमने कोशिश की, और बीच में बारिश भी आ गई, तो जितना कोशिश की हमने और जितना बना सके उतना मैंने आपको दिखाया है. आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे. अच्छा मैंने लास्ट टाइम भी नहीं बोला था, कोई भी ब्लॉग्स में नहीं मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन इस ब्लॉग में मैं जरूर बोलूंगी. अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए. आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा ना कि ब्लॉग अच्छा बन रहे हैं कि नहीं. और कमेंट्स कीजिए, सजेशन दीजिए क्या व्लॉग बनाऊं, कैसा बन रहा है, बराबर बन रहा है कि नहीं. थोड़े कुछ सजेशंस दीजिए और हमारी रेसिपीज में भी सजेशन दीजिए कि आपको कौन सी रेसिपीज नई देखनी है, कौन सी आप चाहते हो, कौन से स्टाइल में और बना के आपको दिखाऊं. तो वो सारा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा. और लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे ब्लॉग्स और रेसिपीज फॉरवर्ड कीजिए. सो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ. अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय.